जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो मैं निरंजन और ये मेरे साथ सचिन है। जय हिंद। तो हम लोगों का वर्तमान में अभी जो वैकेंसी 2022 में आई थी उसमें सिलेक्शन हुआ है CRPF के पोस्ट पर, GD पोस्ट है। और अभी हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा है RTC CRPF जोधपुर में, जो कि राजस्थान में है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि NCC का महत्व क्या होता है SSC GD में, मतलब NCC सर्टिफिकेट ABC जो कर लेते हैं लड़का, उसका कितना कितना नंबर ऐड होता है और उसका कितना महत्व होता है, इसके बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो ये सचिन है, तो इन्होंने NCC B सर्टिफिकेट कर रखा है और इनका नंबर वो ऐड हुआ है और उसी की वजह से इनका सिलेक्शन भी हुआ है। क्योंकि तो SSC GD में जो होता है पॉइंट में नंबर का महत्व होता है, क्योंकि अंत में जो लड़का मेरिट बनता है अंत में ना, तो पॉइंट में लड़का छंट जाता है और वो नौकरी नहीं लग पाती है। कितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। हाँ, तो वही है। तो सचिन से बातें करेंगे क्योंकि इन्होंने NCC कर रखा है और इनका सिलेक्शन भी हुआ है CRPF में। तो इनसे पूछेंगे कि NCC क्या होता है, कैसे होता है और कितना नंबर ऐड होता है और कब कब ऐड होता है, उसके बारे में। तो जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम सचिन कुमार सिंह है। मेरा सिलेक्शन SSC GD 2022 के वैकेंसी में हुआ था, जिसमें NCC सर्टिफिकेट की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। तो जो लोग अभी 2024 के वैकेंसी में अभी तक जुड़े हुए हैं और आंसर किया आ चुका है, तो उन लोगों को डाउट है कि सर्टिफिकेट का जो बेनिफिट है वो कब मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन से पहले मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद मिलेगा। या अभी जो वर्तमान में NCC कर रहे हैं उनको भी डाउट होगा कि NCC के सर्टिफिकेट का आगे कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या ऐसे ही व्यर्थ में हम 3 साल बर्बाद कर दें NCC में। तो उसी के बारे में हम लोगों को बताने वाले हैं कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा सिलेक्शन जो हुआ है वो NCC सर्टिफिकेट के वजह से ही हुआ है, नहीं तो आज हम CRPF में नहीं होते, कहीं और होते, पता नहीं कहाँ होते। तो मेरा रॉ स्कोर जो था, मतलब जितना बार कट ऑफ निकला था उससे 2 नंबर ज़्यादा था NCC सर्टिफिकेट इंक्लूड करके। अगर NCC के 4.8 नंबर अगर उसमें ऐड नहीं होते तो ऐसे ही हम मेरिट से बाहर होते। तो सबसे पहले बता दें कि NCC सर्टिफिकेट 3 प्रकार के होते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। तो स्कूल लेवल पे आप ए सर्टिफिकेट कर सकते हैं और कॉलेज लेवल पे बी और सी सर्टिफिकेट। तो आप डायरेक्ट बी में भी एडमिशन करवा सकते हैं बिना ए सर्टिफिकेट के, लेकिन बिना बी सर्टिफिकेट के आप लोग सी में एडमिशन नहीं करवा सकते हैं। तो मेरा यही सुझाव है कि आप लोग डायरेक्ट बी में एडमिशन लें और बी कंप्लीट करें 2 साल में और 1 साल में सी करें। मेरे पास सी सर्टिफिकेट भी था, लेकिन जिस समय वैकेंसी आई थी और मैंने फॉर्म डाला था उस समय सी का रिजल्ट नहीं आया था। अगर सी सर्टिफिकेट मैं डाल देता, अगर सी में बाई चांस फेल हो जाता या सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम में ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं। तो NCC का बेनिफिट भी नहीं मिलता और कहीं वैकेंसी से भी ना निकाल दिया जाता, इसीलिए मैंने बी सर्टिफिकेट ही लगाया था। तो सबसे पहले बता दें कि टोटल जैसे पिछले साल 2021 या 2019 की जो वैकेंसी थी उसमें टोटल 100 नंबर के होते थे ना। हाँ, पहले 100 नंबर का होता था, वो 2022 में जो आया वो उसके बाद से 160 नंबर 80 क्वेश्चन हो गया था। तो टोटल जितने मार्क्स के एग्जाम होते हैं ना, उसमें अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 2% ऑफ टोटल मार्क्स, मतलब 100 नंबर के अगर एग्जाम हो रहे हैं तो 100 नंबर का 2%, या इस बार 160 नंबर का एग्जाम हुआ है तो अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 160 का 2% ऐड होगा। अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3% और सी सर्टिफिकेट है तो 4%। तो मेरा बी सर्टिफिकेट मैंने लगाया था तो 3% 4.8 हो जाता है, 4.8 नंबर मेरा ऐड हुआ था। हाँ, तो जिसके वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था। और एक और डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन से पहले मार्क्स, मतलब कि NCC के मार्क्स जुड़ते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो जब नॉर्मलाइजेशन होता है, मतलब अभी स्कोर कार्ड आप लोगों का आ चुका है रिजल्ट, अभी तक मतलब नॉर्मलाइज स्कोर पता नहीं चलता। हाँ, वो नंबर आएगा ना NCC ऐड होके। हाँ, नंबर जो फिर कट ऑफ निकलेगा। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि पहले फिजिकल का कट ऑफ आपका जो रो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग हो जाए, मेडिकल का भी हो जाए और फाइनल में NCC का मार्क्स जुड़े, ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट रॉ स्कोर होता है उसी रॉ स्कोर के साथ साथ NCC के मार्क्स भी उसमें जुड़ जाते हैं। और मेरा तो 3 साल NCC में जो मैंने बिताया वो पूरा सफल हुआ, थोड़ा भी गिला शिका नहीं है कि 3 साल मैंने बर्बाद कर दिया NCC में। बहुत लोग अब ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं, NCC करके कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है, व्यर्थ में 3 साल बर्बाद करते हैं। तो आपके पास एग्जांपल हूँ मैं अपना स्कोर कार्ड इस वीडियो के साथ अटैच कर दूँगा, आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार
एनसीसी की वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है, नहीं तो फिर एक दो नंबर के कारण मैं भी पीछे रह जाता। अगर ये एनसीसी नहीं किए रहते, पहले जो मेहनत नहीं किए रहते, तो यहाँ पे जो नंबर मिलता है एक्स्ट्रा नंबर वो इनको नहीं मिलता, नहीं मिलता। और ये आज घर पे होते और बेरोजगारों बेरोजगार की तरह तैयारी करते रहते और आज इनको नौकरी नहीं मिलती। ठीक है, तो आप लोग एनसीसी कर लीजिएगा, या जो एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है वो इसलिए कर लीजिएगा। और ऐसा भी नहीं है कि 3 साल आप लोगों को पूरा दिन रात एनसीसी में ही देना पड़ेगा, बस जब काम पड़े तो जाइए कॉलेज, अपना एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए बस। और वो सर्टिफिकेट का कितना बेनिफिट है वो आप लोग जब एक नंबर के कारण अगर मेरिट से जो छटते हैं ना उनसे पूछिएगा कि एक नंबर और एक नंबर क्या 0.1 का कितना वैल्यू होता है, जो 0.1 से मेरिट से बाहर निकलते हैं। तो जो लोग एनसीसी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लॉक, आप लोग आगे तैयारी में लगे रहिए। और जो लोग अभी 2024 के वैकेंसी से जुड़े हुए हैं उन लोगों का डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा, और फिर अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग उसका आंसर दे देंगे। हाँ, और जो मेरा हुआ था इसके पहले जो वैकेंसी आई थी, इसके पहले 21 में आई थी ना? हाँ, इससे पहले 21 में। 21 में तो उस वाला में मेरा हुआ था, लेकिन अंत में जो मेरिट आया था ना उसमें मेरिट से 0.5 या 0.6 था, उससे मेरा मेरिट नहीं बना। तो मेरा एनसीसी नहीं था, मेरा एनसीसी में कोई डिग्री नहीं किए थे, तो अगर एनसीसी रहता तो इसके पहले ही हो जाता नंबर ऐड होता, तो क्योंकि एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5% आपका एक्स्ट्रा ऐड होगा, जो आप बना के आए हैं उससे 5% ज़्यादा मिलेगा नंबर, यानी 5% 8 नंबर हो गया ना। हाँ, 160 का 5% कर लीजिएगा, 8 नंबर आपको ज़्यादा मिल रहा है और लड़कों से, तो इसमें 0.5 नंबर का भी महत्व होता है, और यहाँ पे तो 8 नंबर है, बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है इसमें एसएससी जीडी में खास करके। बिल्कुल। और आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, एसएससी जीडी से रिलेटेड या ट्रेनिंग से रिलेटेड और भी वीडियोज आप लोगों को डालते रहेंगे, ताकि आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे, ट्रेनिंग कैसी होती है, हार्ड होती है या अच्छे से ट्रेनिंग आप लोग कैसे काट करके निकल सकते हैं, शुरू में दिक्कत होती है कि नहीं होती है, या कोई भी आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग उससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए। हाँ, जो टॉपिक पे आपको समस्या हो, कि मेडिकल हो या रनिंग हो, फिजिकल एग्जाम से रिलेटेड या सिलेबस हो किसी भी एग्जाम का, आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो ज़रूर बना देंगे। ठीक है, बाकी आप इधर का नज़ारा देख सकते हैं, अभी राजस्थान का इधर तो पूरा पहाड़ी और झाड़ी एरिया है, तो इधर ये पीछे है, हम लोग बालकनी में है, अपने रूम से बाहर निकले हुए हैं, तो बाहर का ये देख सकते हैं कैसा कैसा है यहाँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, और टॉपिक पे बातें करेंगे। ठीक है सचिन। बिल्कुल, जय हिंद आज के लिए। जय हिंद।